इंदौर से मथुरा जा रही बस पलटी, अचानक सामने आई गाय को बचाने में पलटी बस, आधा दर्जन यात्री घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर के घाटी गांव में हाईवे पर अचानक गाय सामने आने पर उसे बचाने के प्रयास में वीडियो कोच लग्जरी बस पलट गई। घटना शुक्रवार सुबह 5 बजे घाटी गांव में हुई है। बस इंदौर से मथुरा यूपी के लिए निकली थी। हादसे के समय बस में सवार यात्री नींद में थे। जैसे ही बस पलटी, यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस पलटी देख वहां से गुजर रहे वाहनों के चालक ने रेस्क्यू शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। घटना का पता चलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं। किसी को गंभीर चोट नहीं होने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार रात को इंदौर के विजयनगर से शरद बस सर्विस की एक वीडियो कोच लग्जरी बस नंबर MP07P2123 मथुरा उत्तर प्रदेश के लिए निकली थी। सुबह 5 बजे यह बस ग्वालियर के घाटी गाँव में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर फर्राटे भर रही थी कि तभी घाटी गांव इलाके में अचानक गाय हाईवे पर आ गई। बस की रफ्तार अच्छी होने पर चालक ने गाय को बचाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पलट गई, जिसमें 2 युवक को गंभीर चोट लगी तथा आधा दर्जन से ज्यादा यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। हादसे के समय यात्री नींद में थे, इसलिए संभलने तक का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद वहां से निकल रहे अन्य वाहनों में सवार लोगों ने पुलिस को सूचना दी, साथ ही बचाव कार्य में लग गए। पुलिस व अन्य ने बस में फंसे घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए भर्ती कराया है। पुलिस भी बिना देर किए मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किए। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई भी बहुत गंभीर नहीं है और न ही कोई जानहानि है। हादसे को लेकर यात्रियों की अलग अलग कहानी। बस में सवार यात्रियों ने पुलिस को बताया कि हादसे पर अचानक गाय सामने आने पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई। ज्यादातर लोगों का यही कहना है, लेकिन कुछ लोगों को आशंका है कि बस चालक के झपकी लग गई और यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना, थाना प्रभारी घाटी गांव प्रशांत शर्मा का कहना है कि हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है, घायलों का उपचार कराया जा रहा है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।